एक तरफ जहां देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे जोरों पर है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां भी पूरे जोर शोर से चल रही हैं। और इस बार देखने में ये आ रहा है कि कई जिलों में बहुत से प्रत्याशी युवा हैं। ऐसे ही एक जिला है उत्तर प्रदेश का ललितपुर, जहाँ के बछड़ापुर ग्राम पंचायत से अखिलेश राय, जो कि सिर्फ 21 वर्ष के हैं, पहली बार ग्राम पंचायत में प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। अखिलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 21 साल की उम्र, इस उम्र में आमतौर पर बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन या पीजी कर रहे होते हैं, आपने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, क्यों? जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का राजनीति में इतनी कुरीतियां व्याप्त हो चुकी हैं, जिससे कि युवा इस राजनीति से भागना चाहता था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि युवा राजनीति की ओर आ रहा है। तो इसका सबसे मेन कारण यह है कि भ्रष्ट नेताओं द्वारा राजनीति में रहना। इसको लेकर हम जब गांव में रहते हैं तो देखते हैं कि बहुत से नेता ऐसे होते हैं कि जो बोलते कुछ भी है और पता चलता है कि उनकी योग्यता उतनी नहीं है, इतना बोलते हैं वो। इसको देखते हुए कि हम लोगों ने सोचा कि बहुत से युवाओं से मेरा संपर्क है कि भाई सब लोग एक साथ आ रहे हैं मैदान में, कि हम लोग चाहते हैं राजनीति में ऐसा परिवर्तन लाए, ऐसी क्रांति लाए जिससे कि गांव का विकास हो सके। और वो विकास आप हम जानते हैं कि पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को हस्ताक्षर करना नहीं आता है वह व्यक्ति विकास, उससे अपन विकास की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। इसलिए मेरा मेन मोटिव राजनीति में आने का कि लोगों का सर्वोच्च विकास हो सके, गांव वालों का जो अधिकतम विकास, जितना विकास हो सकता है उतना हो सके। आपने 3-4 शब्दों का इस्तेमाल किया, भ्रष्टाचार, योग्यता, विकास और शिक्षा जी। सबसे पहले तो आप अपनी योग्यता बताइए, आप खुद को कैसे योग्य मानते हैं कि आप अच्छे प्रधान कैसे बन सकते हैं? जैसा कि भैया मैं बताऊं, मैं BLLB का छात्र हूं और मैं उस दिन अपने आप को योग्य मानने लगा हूं। हालांकि मैं ये नहीं मानता मैं योग्य हूं, योग्य मानने लगा हूं जब मैं एक 18-19 वर्ष का विद्यार्थी था। मैं उस समय पूरे गांव का नेतृत्व कर रहा था। उस दिन गांव वालों ने हमने अपने आप को पहचाना कि हाँ, हमारे अंदर नेतृत्व क्षमता है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा खुद का अनुभव है कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ गांव में एक मूवमेंट छेड़ा था। पूरे गांव में क्या हुआ था, एक कोटेदार था जो उसने खड़ी अंगूठी लगवा के गांव वालों को राशन नहीं दिया। तो उस टाइम में मैं छुट्टियों में घर गया हुआ था, तो गांव वालों ने मुझसे आके कहा कि ऐसी ऐसी समस्या है, इसके लिए क्या किया जाए। तो मैंने कहा आप सब हमारे साथ सिर्फ खड़े हो जाना, मैं सब कुछ कर दूंगा। इसके बाद मैं हम लोगों ने 2-3 बार ज्ञापन दिया, सरकार ने प्रशासन ने कुछ नहीं किया। इसके बाद मैंने आखिरी बार कहा कि अगर आप मैं सैटरडे को गया था कि अगर आपने 2 दिन के अंदर नहीं किया, कोटे की जांच नहीं की, तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। और मैं लगभग 25 लोगों के साथ अनशन पर बैठ भी गया था, नहीं हुआ था। इसके बाद जब मैं अंचल में बैठा तो वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी लोग आ रहे थे, उनसे मैंने सवाल जवाब उन्होंने किया, तो जब मुझे लगा कि गांव में से कोई भी बंदा नहीं था कि जो उनका उत्तर दे सके, उनसे बात कर सके, अपनी बात रख सके सरकार के साथ, उस टाइम मुझे लगा कि मैं हालांकि 10-20% योग्य हो सकता हूँ अब। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया कि गांव वाले खुद कहते हैं कि लड़का योग्य है समाज के लिए, गांव के लिए। भ्रष्टाचार है ये बताया जी, पर जब आप प्रधान बन जाएंगे तब भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे, वो बताइए। भैया जैसे कि मैं, मेरा खुद का एक मानना है कि भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब हम अपने आप में शुरुआत करेंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते हम कहें भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और पता चले हम खुद अपने काम कराने के लिए 500 रुपए, 1000 रुपए, 100 रुपए देते हैं। एक सबसे बड़ी मुझे अपने आप में संकल्प लेना चाहिए कि भाई मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। और मैं इसका भी एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मैं खुद बैंक में गया था किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए, तो मुझसे भी पैसे मांगे गए थे और मैंने संकल्प ले लिया था कि ना ही मैं भ्रष्टाचार करूंगा ना ही करने दूंगा। उसके लिए मैंने जब बैंक मैनेजर साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा 3000 रुपए लगेंगे, आप दे दीजिए। मैंने कहा देखो भाई, जब मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, मैं 1 रुपए नहीं दूंगा, आप बनाए या अन्यथा ना बनाए क्रेडिट कार्ड। तो अखिलेश आप संघ के स्वयं सेवक हैं, राज्य स्वयं सेवक संघ के जी भैया, और संघ तो कहते हैं कि हम दूर रहते हैं राजनीति से, फिर आप राजनीति में, ये तो नहीं। देखो भैया ऐसा है कि संगठन ने हमेशा कहा है कि आप राजनीति से दूर रहिए, लेकिन हमारे हिसाब में हमें लगता है कि राजनीति एक राजनीति नहीं है, राजनीति हमारे लिए एक सेवा है। और संघ का मेन मोटिव रहता है कि समाज के लोगों की सेवा करना, इसलिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं राजनीति के माध्यम से गांव वालों की सेवा कर सकूं। और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं पैसे कमाऊंगा, गुंडागिरी करूंगा, एक कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे यहाँ हो चुका है, लोग उब चुके हैं उस चीजों के, कि भाई अब कुछ ऐसा नया आए जिससे कि गांव का विकास हो सके।
तो अपने कार्यकाल के लिए क्या विजन है आपके पास, क्या क्या सपने हैं, किस तरीके से गांव को आप एक नए मुकाम तक पहुंचाएंगे? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं शिक्षा एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ नहीं तो सब कुछ कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो हमारे यहाँ अभी तक हाई स्कूल नहीं है गांव में, आठवीं तक स्कूल है। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा कि सबसे पहले गांव को हाई स्कूल तक करा दिया जाए, जिससे कि जो गांव की हमारी बहनें हैं और भाई हैं जो 5 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, 10वीं के लिए, तो उनको वहां ना जाना पड़े और गाँव में ही वो अपनी शिक्षा ग्रहण करें। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी क्या है कि शहरी परिवार भी और हरिजन भी है, तो क्या होता है कि अभी भी कोटा है। तो मैं सबसे पहले जिस चीज के लिए मैं राजनीति में शुरुआत की थी मैं उस चीज को खत्म कर दूंगा। यानी सबसे पहले आने के बाद मतलब दूसरा काम पहला शिक्षा का होगा, दूसरा राशन का ये होगा कि सब व्यक्ति को जितने भी पात्र होंगे सभी को राशन दिया जाएगा और निर्धारित दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कम देते अभी लोग, वो नहीं होगा, सब उसमें क्वालिटी देखेंगे। अब बुंदेलखंड में नेता बनने जा रहे हैं जी, पानी को लेकर जाते हैं जो सबसे बड़ी समस्या है भैया। हमारे यहाँ ललितपुर में देखा जाए तो पानी की समस्या है और हमारा गांव एक ऐसा गांव है कि हमारे साथ नहर भी नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या बोलते ट्यूबवेल से काम चलता है, बोरिंग से काम चलता है। तो अभी सरकार की एक योजना आई थी 52 डिसमिल जमीन में एक बहुत बड़ी टंकी बनाई जानी थी हर ग्राम पंचायत में, जो कि हमारे यहाँ के प्रधान जी अभी है सरपंच है। खैर उनका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की योजना को बता रहा हूँ। तो उस टंकी को बनना था गाँव में तो वो नहीं बनाई गई है, उस टंकी के माध्यम से पूरे गांव में पानी सप्लाई होना था। तो मैं तीसरा काम वो करूंगा कि उस टंकी को स्थापित करवा के गांव में जल की शुद्ध जल की व्यवस्था करवाऊंगा। अखिलेश जब आपने घोषणा की क्या चुनाव लड़ने वाले हैं उसके बाद आपके ग्राम पंचायत में गए, हमने कुछ लोगों से सवाल पूछे, एक जो कॉमन चीज निकल गया है वो ये था कि आप भाई बहुत युवा है और आप जिस उम्र में है अपने से बड़े डीएम एसडीएम कलेक्टर से डील कैसे करेंगे, किस तरीके से बातचीत करेंगे कि काम वो कर सके, क्यों आपकी सुनेंगे? भैया आपको बता दिया जाए कि हम उम्र से किसी व्यक्ति का अनुभव और किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकते कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी अपने बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत अच्छे काम किए हैं। और हम अपने आप को ये नहीं मानते मैं उम्र में कम हूं तो राजनीति में मैं सही नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने खुद सीखा है कि जब हमारे यहाँ आपको बता दिया जाए कि एसडीएम साहब आए थे उस टाइम पे, तो वो हमसे खुद कह रहे थे बेटा तुम्हें इतना अनुभव कैसे है, क्योंकि उन्होंने कह दिया था आपका कोटा निलंबित हो गया है। तो मैंने उनसे कहा था मुझे निलंबित नहीं मुझे बर्खास्त चाहिए, तो कह रहे तुम्हें इतना कैसे पता कि निलंबित और बर्खास्त में अंतर होता है। मैंने कहा सर मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ और मैं हर चीज को भली भांति जानता समझता हूँ, और अगर मान चलो आप किसी की उम्र 45 वर्ष है या 60 वर्ष है उस व्यक्ति को पढ़ा लिखा ना हो तो आप उससे विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, ये भी तो हो सकता। और अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में आएगा तो स्वाभाविक सी बात उसको अनुभव कम होगा, हम मानते हैं अनुभव कम होगा, लेकिन उसको जो क्या बोलते अनुभव की जो कमी होगी वो नहीं होगी, लेकिन वो राजनीति में अच्छा कर सकता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। आपने शिक्षा की बात की, पानी की बात की, कोटे की बात की, एक मुद्दा जो बहुत जरूरी लगता है स्वास्थ्य, क्या कहेंगे? देखिए भैया मेरा गांव है जो क्लस्टर पर है, बिल्कुल चौराहे पर है, और मैं बहुत पहले से सोचता था कि मैं राजनीति में जाना मेरा मोटिव नहीं था, लेकिन मैं सोचता था पढ़ लिख कर मजिस्ट्रेट बनूंगा कुछ मतलब अधिकारी बन के आऊं तो गांव के स्वास्थ्य के लिए मैं बहुत कुछ करूं, क्योंकि मेरा गांव एक तो चौराहे पर पड़ता है तो गांव इधर है, इसलिए मैं चाहता हूं वहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो बना दिया ही जाए, क्योंकि वो हर गांव में होना जरूरी है, वो हमारे गांव नहीं वो हर गांव में होना जरूरी है। क्योंकि इसके बाद मैं चाहता हूँ उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाए जिससे कि लोग वहां पर प्राथमिक उपचार ले सके, इसके बाद वो अदर मतलब खंड में जाएंगे और जिला में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अखिलेश बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ अखिलेश जो ललितपुर जिले के बचनापुर ग्राम पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी युवा इनकी तरह राजनीति में आए। और ताजा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया, एक मिनट हमारे साथ।